News 18, India. जिसने थाने में आगजनी की, जिसने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले किया, हिसाब किताब तो होगा, पुष्कर सिंह धामी ये कह चुके हैं। लेकिन अब इस हिंसा से जुड़े बड़ा पर्दाफाश हुआ और ये एक नाम सामने आया, FIR में अब्दुल मलिक का नाम है। अब्दुल मलिक को ही हिंसा का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। जिस जगह पर नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण को तोड़ने गई थी, उसे अब्दुल मलिक का बगीचा बताया जा रहा है और उस बगीचे के एरिया में अब्दुल मलिक का कब्जा था। तो ये आप इस शख्स को भी देख रहे हैं और ये नाम भी आप देख रहे हैं। अब आप ये कहेंगे ये नाम कैसे जुड़ता है, तो ये नाम ऐसे जुड़ता है कि जहां पुलिस की टीम उस दिन अवैध अतिक्रमण हटाने गई थी, यानी कि नगर निगम की टीम गई थी, वहां अब्दुल मलिक साहब का बगीचा हुआ करता था और इसीलिए वो नाराज हुए और ये पूरा का पूरा प्लान रचा गया कैसे आगजनी की गई। पंचकुलवा शहर में जो घटना हुई है उसमें पुलिस की तरफ से 3 FIR पंजीकृत हुई है और ये 3 FIR जो है उनमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो तथ्य आए हैं CCTV एनालिसिस हम लोगों ने किया है और जो बाकी एविडेंस है उसके आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में बाकी जो अभियुक्त हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारी टीम ने शुरू कर दिया। अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। अब देखिए हल्द्वानी हिंसा मामले में मास्टरमाइंड के रूप में अब्दुल मलिक का नाम तो सामने आ रहा है, पर बड़ा सवाल ये कि साल दर साल आखिर साजिश रची कैसे गई, किस तरह से 2014 से लगातार कब्जा हुआ, जब कब्जा हटाने के लिए टीम वहां पर पहुंची तो कैसे इन्हीं लोगों ने उपद्रव किया, एक एक डिटेल इसकी सबूत के साथ आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी के नगर निगम के उपायुक्त पंकज उपाध्याय जी साथ हैं। पंकज जी, आप लगातार ये आपने तमाम मैप दिखाए, 2014 का उसी जगह का है, मैं ये देख रहा हूँ पूरी तरीके से ये मैप खाली है। फिर मैं 2018 का देख रहा हूँ तो हल्का निर्माण दिख रहा है। 17 में प्रॉपर वहां पर देखिए तस्वीरों में भी साफ ने आपने दिखाया। 2023 में तो इलाका बस गया। पहले तो आप सिलसिलेवार तरीके से हमें ये बताइए कि जो जगह थी इस पर आप लोगों ने कब्जा करने का या आपके ये वापस कब्जा लेने का विचार आपको कहाँ से आया, कैसे जानकारी मिली और ये प्रक्रिया पूरी कैसे शुरू हुई। करीब 1-1.5 साल पहले से कार्रवाइयां चल रही हैं। सनी बाजार का लगभग 5 एकड़ जमीन जो नजूल की है वो लोगों के अवैध कब्जे में थी, अवैध प्रबंधन में थी, वहां पर बाजार लगाने का काम किया जा रहा था, उस पर हमने कब्जा वापस लिया। आज हम उसमें 19 महीने का हमने टेंडर किया हुआ है बाजार लगाने को 53 लाख रुपए में, वो हमारे प्रबंधन में है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं, राज्य जनता के हित में उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य जमीनें, भोलानाथ गार्डन का बगीचा है, नजाकत खां का बगीचा है, जैम फैक्ट्री है, मलिक का बगीचा है, जो इन आसानी नामों से जाने जाते हैं, इन सभी को चिन्हित किया गया था। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय से पत्राचार भी किया गया था। भोलानाथ गार्डन का कब्जा हम पहले ले चुके थे और इस बीच हम इन तीनों जमीनों पर जब हमें पता चला कि लगातार वहाँ प्लाटिंग हो रही है, अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं, तो हमने पुलिस और प्रशासन का सहयोग मांगा। हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ कब्जा लिया। जो खाली जमीन थी, जो स्ट्रक्चर था, उस पर हमने नोटिस दिया, उसका कोई हमें जवाब प्राप्त नहीं हुआ। हमने तिथि नियत करी उसको ध्वस्तीकरण करते हुए कब्जा प्राप्त करने की, उसमें विरोध की संभावनाओं को देखते हुए हमने पुलिस प्रशासन का सहयोग मांगा। सहयोग जब हमें प्राप्त हुआ तो हमने ये कार्रवाई करी। दूसरा, इसके अलावा नजाकत खां का बगीचा, इसमें भी हम करीब 6 महीने पहले वहाँ ध्वस्तीकरण किए हुए हैं। 8-10 मकान जो निर्माणाधीन थे, न्यू के स्ट्रक्चर पर थे, उनको तोड़ा गया था और उसी समय हमने तय कर लिया था कि पूरी जमीन अगर कब्जे में नहीं लेते हैं तो प्लाटिंग करके इसको खुरदबूद कर दिया जाएगा। नजूल जब स्टेटस है उनका सरकारी जमीन है, राज्य सरकार के स्वामित्व की जमीन है, उसको भी हमने कब्जा लिया, वहाँ अस्थायी गौशाला का निर्माण किया गया है। जैम फैक्ट्री या कभी लीज दी गई थी, लीज समाप्त हो गई है, नजूल फ्री होल्ड नहीं हुई है, उस जमीन में भी लगभग 1 एकड़ जमीन बेची जा चुकी है, उस पर मकान बना दिए गए हैं, लेकिन जो जमीन खाली थी उसको हमने उस कब्जा लिया, वहाँ तारबाड़ कर दिया है, वहाँ अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं। इस प्रकार से कई जमीनों को हमने कब्जा मुक्त कराया है। उसी चरण में ये भी कार्रवाई की जा रही थी और उसी प्रक्रिया के भागता हूँ। अब्दुल मलिक ये दावे करता रहा है कि जमीन उसकी है, आप लोगों ने अब्दुल मलिक से संपर्क नहीं साधा या उन्होंने आपको नहीं बताया कि जमीन पर बाकायदा मस्जिद और मदरसा है? अब्दुल मलिक 29 तारीख को मौके पर आए थे, मौके पर उन्होंने विरोध किया हुआ है। हमने उन्हें स्पष्ट कहा कि अगर आपकी कोई जमीन का दावा है तो अपना पुष्ट करिए, राजस्व विभाग से संपर्क करिए, उसके बाद भी अगर पुष्ट नहीं है तो आप किसी आप जो भी संबंधित दस्तावेज हैं, क्योंकि राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार ही कार्रवाइयां होती हैं, तो राजस्व विभाग से भी हमने प्रमाणित कराया हुआ है। राजस्व मैंने उनसे कहा कि आप अपने दावे की पुष्टि कराइए, आपकी जमीन आप ले जाइए, लेकिन मेरे सब बड़ा सवाल मेरा यह है, अगर आपके स्वामित्व की जमीन है तो आप रजिस्ट्री क्यों नहीं करते हैं, आप स्टाम्पों पर क्यों बेचते हैं? वहां पर एक भी रजिस्ट्री मुझे दिखा दीजिए, वहां एक भी रजिस्ट्री नहीं है, एक भी नक्शा पास नहीं है, एक भी दाखिल खारिज नहीं है,
अगर स्वामित्व की जमीन है तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है?